आपके सपने साकार एपीएस स्कूल में आकर। पायल हॉस्पिटल द्वारा संचालित आपका अपना एपीएस स्कूल, प्रवेश परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था, नवोदय सैनिक और मिलिट्री की विशेष तैयारी हेतु चिड़ावा शहर में सबसे अच्छा स्कूल, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल सुविधा उपलब्ध। तो देरी किस बात की, आज ही करवाई अपने लाडलों का एडमिशन। खेतड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास चिड़ावा। चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आ सकते हैं चिड़ावा। चिड़ावा बाजार आज पूर्णतया बंद, कल व्यापारियों ने दिया था समर्थन। आवश्यकता की सामानों की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें पूर्णतया बंद। महिलाओं ने पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। निजी स्कूल संचालकों ने भी दिया समर्थन, कल निकालेंगे मौन रैली, देंगे ज्ञापन। चिड़ावा के नजदीकी गांव शिवपुरा में मारपीट के बाद नाबालिग के अपहरण मामले में अभी तक चिड़ावा पुलिस को सफलता नहीं मिली है। मामला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। धरने को ग्रामीणों के साथ साथ चिड़ावा का भी मिल रहा है पूर्णतः समर्थन। धरने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, निजी स्कूल संचालक, सामाजिक संगठन आदि पहुंच रहे हैं और दे रहे हैं अपना समर्थन। चिड़ावा पुलिस की बढ़ रही है मुश्किलें। धरने पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंचने लगी हैं और दे रही हैं अपना समर्थन। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस थाने के बाहर पुलिस प्रशासन के ही खिलाफ नारेबाजी की, तो पुलिस प्रशासन ने भी महिला पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात कर रखा है। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो चिड़ावा जाकर पीड़ित पक्ष के साथ धरने पर बैठूंगा। अगर कुछ रोज में कार्रवाई नहीं होती है, संतुष्ट नहीं हो पाते धरने पर बैठे लोग, तो उनके साथ धरने पर बैठूंगा और आंदोलन को तेज किया जाएगा। इधर चिड़ावा बाजार आज पूर्णतया बंद है, अति आवश्यक सामान की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद है। देखिए ऐसा है, जिस प्रकार से सौर में विदित है 22 तारीख को जो घटना हुई शिवपुरा में, उसी को लेकर के जो आंदोलन लगातार चल रहा है, उसी के निमित्त आज बाजार बंद का हम लोगों ने जो निर्णय लिया था, उसमें सबसे पहले व्यापार संघ के जितने भी मंडल ये व्यापार अध्यक्ष हैं, वो सब के सब स्वेच्छा से सबता हमारे साथ आए हैं और सारा बाज़ार बंद है। सबका बहुत बहुत सहयोग है और गांवों तक सूचना है, गांव वाले भी मतलब बाज़ार बंद ही नहीं, गांव भी एक तरह से मतलब रोष है, गांव भी समझ रहे हैं कि बाज़ार ही बंद नहीं, हमारा गांव भी बंद है। सब लोग मतलब आक्रोशित हैं, जब तक इस घटना का खुलासा नहीं होता है रोज़ नए नए आंदोलन हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा। शिवपुरा में नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को अवगत करवाया गया था। उन्होंने आला अधिकारियों को फ़ोन करके तय निर्देश दिए हैं कि इस मामले को पूरी गहनता से लिया जाए, वरना एक दो दिन में कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी को नहीं पकड़ा गया, तो हनुमान जी बेनीवाल ने खुद फ़ोन करके आज ये कहा है कि कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मैं खुद आऊँगा और पीड़ित परिवार के परिजनों के साथ धरने पर बैठूँगा। आज उन्होंने फ़ोन करके पीड़ित परिवारजनों से बात वार्तालाप की और धरना स्थल पर जो लोग बैठे थे उनके साथ भी वार्ता की। तो क्या संदेश दिया उन्होंने, क्या कुछ कहा है कि कब तक आने का क्या प्लान है और परिजनों से क्या बातचीत हुई? परिजनों से उन्होंने ये कहा है कि मैं आला अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, या तो ये चेस जाएंगे, थोड़ी सी ये तेज़ी करेंगे जांच में, कार्रवाई में नहीं, एक दो दिन में, या उन्होंने कोई उचित कार्रवाई नहीं की, अपराधी को नहीं पकड़ा, बच्ची को सही सलामत बरामद नहीं किया, तो एक या दो दिन में मैं खुद आऊँगा और इनके पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठूँगा आके। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारी बच्ची सेफ होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची को हमारे हमको सौंपा जाए और हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा दी जाए और ऐसा अपहरण किसी भी बहू बेटी के साथ ना हो। अपराधियों को सजा देनी चाहिए और जो हमारी लड़की को इतनी टाइम तीन दिन हो गए तो वो लड़की क्यों नहीं मिल रही है, ये पुलिस वालों को तो पता है कि लड़की क्यों नहीं मिल रही है, इनको लानी चाहिए कि नहीं, जो किसान की लड़की होगी ना इसलिए वो गायब हो रही है, गरीब बाप है उसका कि वो खेती खेत कमावा है इसलिए वो लड़की नहीं आ रही है, क्यों वो लेके नहीं आ रहे, पैसे नहीं फूके हमने, जद नहीं लड़की लेके आ रहे, वो पुलिस वालों की ये कमी है कि पैसे नहीं देंगे हम, हमारी लड़की लानी ही पड़ेगी, वो तो ये उसका बाप है ना, वो गरीब आदमी है इसलिए लड़की नहीं, कलेक्टर की लड़की होती तो आज ना आ जाती, वो हमारी लड़की को इसलिए नहीं ला के लेके आ रहा कि उन्हें पैसे चाहिए हैं, पैसे नहीं देंगे हम, हमारी बच्ची को सुरक्षित लानी चाहिए और हमारे को सौंप दो, हमारे साथ न्याय करो, अन्याय मत करो, न्याय करो,
किसी की बाण बेटी और भी है घर में, घर में निकाल ली लड़की, तो केस उनकी के है, कोई सेवा उन कर रहे हो कि मी? पुलिस प्रशासन चार दिन से बहुत लूज बैठी है, कोई रोज आज दो घंटे का श्वसन दे के रोज रोज चार दिन से टाल रही है, कोई गंभीर रूप से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक नाबालिग लड़की चार दिन से घर से गायब है, तो सोचो समाज और गांव और माँ बाप पे क्या बीत रही है। तो पुलिस प्रशासन को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और बेटी घर वालों को सौंपनी चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। ये जो शोपरा में नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ है, इसका व्यापार संघ विरोध करता है। इसके चलते विरोध करते कल 26 तारीख को चिड़ावा बाजार बंद रखा जाएगा। शोपरा गांव में रात्रि को बदमाशों द्वारा जो आक्रमण किया गया है, घर में सोए हुए व्यक्तियों पर मारपीट करना, लूट खसोट करना और एक नाबालिग को अपहरण करके ले जाना, इस सब के विरोध में हम सभी विद्यालयों के संचालक और हमारे विद्यार्थी और स्टाफ हम भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। धरना देने वाले हमारे समाज के जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं, उनके जो भी निर्देश होंगे उनका पालन करेंगे और उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आप लोग चाहते क्या? हम चाहते हैं कि बच्ची तुरंत प्रभाव से बरामद हो और अपराधियों को सजा दिया जाए, अब गिरफ्तार किया जाए, कठोर दंड दिया जाए, जिससे समाज में इस तरह की अपराधी घटनाएं भविष्य में न हो। इसके लिए समाज भी और प्रशासन भी, विद्यालयों का लंबे समय से अवकाश चल रहा था, कल पहले दिन विद्यालय लग रहे हैं। कल हम स्टाफ के साथ चर्चा परिचर्चा करके बच्चों को इस प्रकरण के बारे में बताएंगे और परसों बच्चियों की रैली निकालेंगे और रैली निकाल के SDM साहब को ज्ञापन देंगे इस प्रकरण के संबंध में। कल स्टाफ के साथ हम धरना स्थल पर आएंगे और वहाँ चिड़ावा के नागरिकों के साथ, और हम भी वहाँ जाके ज्ञापन देंगे कल अपने निजी संघ की तरफ से, अपने स्टाफ को भी लेके आएंगे और हम भी आएंगे स्टाफ के साथ। इस प्रकरण की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।